केसेस प्रॉपर्टी लॉ मैटर कर रहे थे और आर्कमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशन पे थे. पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, चलो उसके बाद नेक्स्ट केस करवाऊंगा. सपोज एक ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक एंड दिस इज अ स्प्रिंग, और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की सपोज दिस इज अ लिक्विड, ये लिक्विड है यहां तक, सच दैट इसका हाफ पोर्शन एल बाई टू ऊपर है, हाफ पोर्शन एल बाई टू नीचे है. इस ब्लॉक का आधा पोर्शन ऊपर आधा पोर्शन नीचे. मुझे क्या करना है इसमें कि ये आपके सामने एक सेम ब्लॉक है, स्प्रिंग कांस्टेंट वही है, लिक्विड है, और ये लेंथ एल हो गई, इसके ऊपर वेट डब्ल्यू रख दिया. एक ब्लॉक जो हाफ ऊपर हाफ नीचे था, इसको इसके ऊपर मैंने वेट लगा दिया, ये ब्लॉक क्या हुआ, ये जो ब्लॉक है ये पूरी तरह पानी में चला, लिक्विड में चला, तो कितना वेट लगाई W, ये पूरी तरह वाटर में समर्ज हो जाए, जैसा है फर्स्ट डायग्राम से सेकंड डायग्राम में कन्वर्ट हो जाए. फैक्ट्स कुछ गिवन है, जो क्यूब है ये क्यूब है, क्यूब की डेंसिटी रो है, जो लिक्विड है लिक्विड की डेंसिटी 2 into rho है, एंड W आपको निकालना है सो दैट दिस इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड. वैसे ये जरूरी नहीं था इसमें, जैसे क्वेश्चन में मैंने आपको दे दिया चलो क्यूब ऑफ डेंसिटी रो, बट ये जरूरी नहीं है कि आपको डेंसिटी दे. एक्चुअली क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं गिवन, क्वेश्चन में सिर्फ लिक्विड की डेंसिटी गिवन थी 2 rho, और आपको ब्लॉक की डेंसिटी पहले निकालनी थी क्यूब की रो. वो कैसे, जरूरत ही नहीं. अगर 50-50% फ्रैक्शन, 50% फ्रैक्शन पानी के अंदर है, 50% ऊपर है, तो एक चीज तो क्लियर है, बॉडी कब फ्लोट करती है, जब उसकी डेंसिटी पानी से कम है, ताकि वाटर उसको क्या लगाता है, ऊपर की तरफ अब थ्रस्ट लगाएगा, ऐसे होता है. तो कितनी कम है, अगर वो 50% हवा में उसको उठा के फेंक रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी पानी से हाफ है, नहीं तो फ्लोटिंग प्रिंसिपल लगा लो. फ्लोटिंग प्रिंसिपल लगा के देख लेना, इमेजिन कर लेना कि अगर सपोज एक ब्लॉक है मेरे पास, इसका वॉल्यूम वी है, एल बाई टू लिक्विड के अंदर है, एल बाई टू बाहर है, तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम कितना है, वी बाई टू, ठीक है ना. तो ये लगा के देख लेना कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ अ बॉडी. तो बॉडी की डेंसिटी में डेंसिटी ऑफ बॉडी, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा, तो यहां से रिलेशन आ जाएगा रो का और सिग्मा. और करने की जरूरत नहीं, मैं शॉर्टकट लगा रहा हूं कि ये फ्रैक्शन से वैसे कैलकुलेट किया जा सकता है दैट कितना इसका पोर्शन या कितनी डेंसिटी होगी इस बॉडी की, जब सॉल्व करोगे देन सिग्मा और रो का रिलेशन आ जाएगा. वैसे इस क्वेश्चन में सिग्मा नहीं है, इस क्वेश्चन में रो 2 into rho है, तो जब सॉल्व करोगे आपके पास डेंसिटी ऑफ बॉडी अपने आप आ जाएगी कितनी, ठीक है. यहां तक जब आप वेट निकालोगे ना, तो वी बाई टू इंटू 2 rho इंटू जी, कुछ ऐसे होएगा ना, वी बाई टू इसका वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस होगा इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 2g, 2 rho इंटू जी इज इक्वल टू होल वेट में क्या होगा, वी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी. आपके सामने ही अपने आप आंसर आ गया ना, आपके पास डेंसिटी ऑफ बॉडी कितनी आ गई, रो, ठीक है ना. यहां तक मतलब सबसे पहली चीज, अगर आपको बॉडी की वाटर की डेंसिटी गिवन हो और ब्लॉक की डेंसिटी आपको निकालनी हो और फ्रैक्शन आपको गिवन हो कितना पोर्शन पानी में है, तो वहां से आप बॉडी की डेंसिटी कैन बी कैलकुलेट. पहला पॉइंट क्लियर है. तो चलो इसमें तो मैंने आपको दे ही दिया ये क्वेश्चन है, आपको इसमें ये निकालना है कि डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी. सबसे पहली चीज इसमें, अगर डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है तो डब्ल्यू की वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, एडिशनल अपथ्रस्ट, एडिशनल अपथ्रस्ट प्लस स्प्रिंग की फोर्स. देखो ना, एल बाई टू तो पानी के नीचे वैसी था ब्लॉक, एल बाई टू इसलिए और नीचे चला गया क्योंकि आपने इसके ऊपर वेट रख दिया, ऐसे ही हुआ. तो आपने कितना वेट रखा, W विच विल बी इक्वल टू एडिशनल अपथ्रस्ट. तो एल बाई टू पोर्शन का, एल बाई टू पोर्शन का अपथ्रस्ट क्या होगा, एल बाई टू इंटू एल इंटू एल, ठीक है ना. इस क्यूब का मान लो एक क्यूब है, क्यूब का बेस एरिया, जो बेस का एरिया है
ऑब्वियसली बेस का एरिया क्या होगा इसमें, बेस का एरिया होगा एल इन टू एल और ये एल बाई टू, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कितना सबमर्ज हो गया एल इन टू एल बाई टू, ये वॉल्यूम हो गया जो आपने नीचे और उसको पुश किया इन टू। अब थ्रस्ट मीन्स वेट ऑफ लिक्विड, अब थ्रस्ट का दूसरा नाम है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो इसलिए डेंसिटी भी किसकी आएगी यहां पर लिक्विड की ही आएगी, टू इन टू रो, समझ आ गया ना। अब थ्रस्ट में हमेशा वाटर की डेंसिटी यूज होगी लिक्विड की इन टू जी, पहला स्टेप क्लियर है। प्लस के टाइम्स स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो गया एल बाई टू, हाँ मैं इसमें बता देता हूँ, पहले स्प्रिंग अनकंप्रेस था, कंप्रेस नहीं था, पहले स्प्रिंग कंप्रेस नहीं था एज्यूमिंग, तो जब स्प्रिंग कंप्रेस हो गया तो एडिशनल कितना कंप्रेशन हो गया एल बाई टू, तो स्प्रिंग के अंदर भी फोर्स डेवलप हो गई जिसको रिस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं, तो ये आंसर आ गया, ऑप्शन मार्क कर लेना इसका जो भी होगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है ना यहाँ तक, तो जितना आपने वेट लगाया वो एडिशनल अपथ्रस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं फोर्स कर रहे हैं। ठीक, एक आर्किमिडीज के अंदर ही बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है, क्या मैंने सपोज एक बॉडी को पानी में फेंक दिया, ठीक कैसे, कि सपोज करो जैसे ऐसे क्वेश्चन आते होते हैं, एक बोट में कोई मैन बैठा है उसने स्टोन्स उठा के पानी में फेंक दिए तो लेवल बताओ क्या हुआ। दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक आइस फ्लोट कर रही है वाटर में, आइस पिघल गई, पानी का लेवल बढ़ गया कि कम हो गया, कि कोई ऑब्जेक्ट को हमने फेंका जैसे मैंने बताया, लेवल बढ़ेगा या कम हो गया, आप अपने बुक्स में देखना तीनों क्वेश्चन के बनोगे इसमें, दो तीन क्वेश्चन के बनोगे, एक आंसर सेम क्वेश्चन होगा, कोई फर्क नहीं होगा, एक में एक ऑप्शन आंसर देगा कि वाटर का लेवल बढ़ गया, एक में देगा वाटर का लेवल सेम हो गया, एक में कहेगा वाटर का लेवल गिर गया। खासकर टीएमएच के अंदर तो ये पहले चार क्वेश्चन है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि तीनों में क्या फर्क है, सेम आइस है सेम वाटर है, तीन क्वेश्चन है एक के साथ एक लाइन में लगे हुए हैं। ध्यान से क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले कौन डिसाइड करेगा पानी का लेवल ऊपर या नीचे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो मेल्ट होगा। तो इस टॉपिक पे कैसे आंसर देना है मैं आपको बता दूं कि तीन केस बनाएंगे हम इसमें, तीन केसेस हैं, देयर आर थ्री केसेस विच वी हैव टू डिस्कस। फर्स्ट इज मान लो आइस है, आइस को मेल्ट करवाएंगे, ऑब्वियसली आइस ही हो सकती है, तो आइस की जो डेंसिटी है इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। सेकेंड केस है डेंसिटी ऑफ आइस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ, तीन केस हो सकते हैं, क्वेश्चन आइस भी आता है क्योंकि मेल्ट होने वाली चीज आइस ही रहती है वैसे। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो सपोज करो एक मिनट के लिए इन तीन केसेस में सपोज दिस वाज लेवल ऑफ वाटर, ये आइस है और इसकी डेंसिटी रो है, ये एक्स है, और सपोज एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये आइस मेल्ट होगी और लेवल कहां पर आ गया, वाई पे आ गया, ज्यादा भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, पर चलो मैंने डायग्राम में ज्यादा शो कर दिया। ठीक है, यहां तक आइस मेल्ट होगी, दो दो इसमें लेवल्स हैं। सपोज एम इज इक्वल टू मास ऑफ आइस, सपोज रो इज लिक्विड की डेंसिटी, रो इज लिक्विड की डेंसिटी, सपोज वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय आइस, जब आइस सॉलिड थी तो वी वॉल्यूम वाटर का क्या हो रहा था, डिस्प्लेस हो रहा था, ठीक है ना, क्योंकि वो फ्लोट कर रही है ना, और जब वो फ्लोट कर, जब मैं आइस की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली पहला डायग्राम ही रेफर करोगे, दूसरा क्यों करोगे, क्योंकि दूसरे केस में तो आइस मेल्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो गई, वाटर। ठीक है यहां तक, तो देखो सबसे पहली चीज वेट मैं ऐसा लिख सकता हूं, जब आइस फ्लोट कर रही थी वेट ऑफ आइस इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय आइस, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल टू होल वेट ऑफ दी बॉडी, और इसमें होल वेट कौन है, आइस, वेट ऑफ आइस सपोज कितने mg है, इमेजिन कर लो, और वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड जब लेवल x था
वी वॉल्यूम मैंने लिखा है ना, वी वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया वाटर का, इनटू हम किसका वेट निकाल रहे हैं, वेट ऑफ वाटर। तो डेंसिटी किसकी यूज करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। ये पॉइंट सबको क्लियर है, ये चीज क्लियर है कि वेट, वेट ऑफ आइस इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, या फिर यहां से वी इज इक्वल टू, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वी इज इक्वल टू, या इसको एक फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे चलो, इसको ऐसे ही रहने दो। ये तब है इक्वेशन जब आइस क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। डेंसिटी ऑफ वाटर, या वैसे मैंने रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, मैंने वैसे डब्ल्यू लगाने की जरूरत है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट केस देखो, जब मार्क वाई मार्क पे आ गए, हम वाई मार्क पे आ गए, वाई मार्क में मुझे क्या करना है कि दैट इज आइस मेल्ट्स कंप्लीटली, आइस पूरी तरह मेल्ट हो गई। तो सपोज बिटवीन एक्स एंड वाई वॉल्यूम ऑफ वॉटर विल बी इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा इसमें, डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब जो v डैश है, v डैश इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। आइस मेल्ट हो, एक चीज जो चेंज नहीं होती ना वो मास है, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, जो चीज चेंज नहीं होगी वो मास है। मास जो भी आइस का था वो पानी में कन्वर्ट हो गया, x और y के बीच में कितना वॉल्यूम इसका, आइस का नहीं वाटर का, कितना होगा, जितना भी उसका मास बना डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इसके इसके बीच में x और y के बीच में। ये पॉइंट क्लियर है, ये पता नहीं अब तीन, अब मैं तीन केस बना, हाँ चेंज है ये मुझे पता नहीं कि क्या हुआ, क्योंकि मैं x और y के बीच में क्या देख रहा हूं, आइस नहीं, मैं x और y के बीच में देख रहा हूं, यही तो बात है, यही तो डिसाइड करने वाला फैक्टर है कि पहले आइस की डेंसिटी कुछ और थी और जब वो पानी बन गया तो डेंसिटी क्या हो गई, चेंज होगी, लेकिन मास चेंज, यही तो डिसाइड करवाएगा कि पानी का वॉल्यूम ऊपर होगा या पानी का वॉल्यूम नीचे होगा। अब मैं तीन केस बनाऊंगा, आपके वाला केस आएगा कि अगर वो सेम डेंसिटी लेनी है तो लेवल में कोई चेंज नहीं होगा, एक ही बात है। देखो जरा ऐसा होगा, कई बार कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी डेंसिटी ऐसी होती है, लगती इतनी सी है लेकिन जब पिघलेगी तो पानी ज्यादा बना देगी डेंसिटी के ऊपर, क्योंकि पानी की डेंसिटी अलग है, आइस की डेंसिटी अलग है। अगर मैं डेंसिटी सेम ले लूंगा फिर तो ठीक है ना, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, फिर तो यानी कि लेवल विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब इसमें तीन केस बन गए। तो इसमें पहला केस क्या बना, इसमें केस नंबर वन, इफ डेंसिटी ऑफ आइस या आइस की जो भी डेंसिटी है अगर ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर लेना है तो उस केस में क्या होगा। उस केस में अगर आपको आइस की डेंसिटी ज्यादा लेनी है, या चलो पहले इक्वल लेते हैं, इक्वल का केस तो बिल्कुल ही क्लियर है, अगर डेंसिटी इक्वल लेनी है तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या रहेगी, सेम उतना ही, जितना वॉल्यूम आपका बॉडी का था उतना ही वॉल्यूम इसका डिस्प्लेस हो गया, पानी का डिस्प्लेस हो गया। तो यानी कि उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या था, अब सपोज करो एक मिनट के लिए कि अगर मैं वॉल्यूम केस नंबर टू बनाता हूं, इसमें जो लेवल है लेवल विल रिमेन सेम। सपोज सेकेंड केस है, व्हेन डेंसिटी ऑफ आइस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम वी की वैल्यू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ आइस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो वैसे तो बड़ा क्लियर है, सुनने में भी बड़ा क्लियर है, पहले डेंसिटी ज्यादा थी आइस की, छोड़ो मैथमेटिकली, दो मिनट के लिए वैसी बात करते हैं, आइस की डेंसिटी ज्यादा थी यानी कि आइस देखने में बड़ी लग नहीं रही, लेकिन वो है देखने में छोटी लग रही है लेकिन अंदर उसके सब्सटेंस ज्यादा है, डेंसिटी का मतलब ये होता है ना। तो जब वो पिघलेगी और डेंसिटी पानी से ज्यादा है यानी कि ज्यादा वाटर जनरेट होगा उससे, अगर मैथमेटिकली नहीं भी डिस्कस करते, छोटी चीज आइस पिघलेगी तो उससे क्या होगा, आपका वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा जब वो मेल्ट होगा,
तो वाटर लेवल विल इंक्रीज। और सोचो अगर जिसकी डेंसिटी कम है, अब जिसकी डेंसिटी कम है इसका मतलब वो चाहे देखने में बड़ी हो लेकिन उसके अंदर सब्सटेंस ज्यादा नहीं है, आई ज्यादा नहीं है, इसका मतलब यही हुआ कि जब वो पिघलेगी तो लेवल ऑफ वाटर उस पे इसमें क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। नहीं, ऐसा कर लो। चलो अभी हमने एक चीज डिस्कस की, वी डैश का मतलब एम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना, ये वो वॉल्यूम है जो आइस को, जब आइस मेल्ट हुई और पानी बन गया, ठीक है, ये वो वॉल्यूम है। अब मेरा एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ जो आइस है, अगर मैं बात करूं वी वॉल्यूम की, चलो वी के साथ भी कंपेयर करते हैं, वी का मतलब जब आइस मेल्ट नहीं हुई थी वो वाला वॉल्यूम, जब आइस मेल्ट नहीं हुई थी तो इट कैन बी रिटन एज एम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस लिखने, चलो इसे, अब ठीक है, अब क्लियर है, कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। पहले केस में जब आइस मेल्ट नहीं हुई तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मास तो चेंज होगा नहीं, चाहे आइस का ले लो चाहे पानी का ले लो, मास में कोई चेंज नहीं, तो किसमें चेंज है, डेंसिटी में चेंज। अब इसे कंपेयर कर लें, दो इक्वेशन है। अब बड़ा सिंपल केस है, अगर दोनों की डेंसिटी इक्वल होगी, ये वो वॉटर है जो मेल्ट होने के बाद आ गया, ये वो वॉल्यूम है जो आइस का वॉल्यूम था, ठीक है ना यहां तक। अब बड़ा सिंपल केस है कि अगर मैं ये बोलता हूं डेंसिटी ऑफ आइस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वॉटर, ठीक, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर डेंसिटी ऑफ आइस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वॉटर तो वी की वैल्यू बड़ी होगी कि वी डैश की, वी डैश की, और अगर वी डैश बड़ा होगा तो ठीक है ना, लेवल बढ़ गया, ये डिस्कस कर रहे हैं ना, वी डैश इज ग्रेटर देन वी हो गया, और अगर इक्वल होगा तो वी डैश इज इक्वल टू वी हो गया, और अगर कम हो गया तो वी डैश इज लेस देन वी हो गया। तीन केस है, आपको इनमें से कुछ भी मैथमेटिकली याद नहीं करना, एक ही याद कर जाओ, डेंसिटी सब्सटेंस की अगर बराबर है पानी के, लेवल में कुछ नहीं होगा, अगर आइस की डेंसिटी ज्यादा है लेवल बढ़ जाएगा, आइस की डेंसिटी कम है तो लेवल कम हो जाएगा, और आपने कुछ नहीं करना। पेपर में वहां थोड़ा प्रूव कर रहे, तो वैसे मैं बता रहा हूं इसको एम बाय वी या मास बाय डेंसिटी कर करके, कि ऐसे करके प्रूव किया, अदरवाइज यू डोंट हैव टू प्रूव। आपको तीन फैक्ट्स याद करने हैं, डेंसिटी या तो बड़ी होगी, डेंसिटी इक्वल होगी, डेंसिटी छोटी होगी, क्लियर, ठीक है यहां तक। दूसरी चीज, एक न्यूमेरिकल लिखना, सपोज ये एक क्यूब है, ये एरिया ए है, और इधर से ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ए है और ये भी ए है, ये लेवल है वॉटर का। सपोज ये जो हाइट है वो एच वन है, सपोज ये जो हाइट है ये एच टू है, सपोज ये जो लेंथ है ये एल है, एल लेंथ है, और ये ट्यूब मूव कर रही है विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए, ऑब्वियसली पीछे का लेवल बड़ा होगा आगे का लेवल छोटा होगा, सूडो फोर्स ना, पीछे की तरफ फोर्स लग रही है तो पीछे का लेवल बढ़ जाएगा आगे का कम जाएगा। आपको बताना है फाइंड एक्सेलेरेशन, फाइंड एक्सेलेरेशन ए इन टर्म्स ऑफ एच वन एंड एच टू, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ, एक्सेलेरेशन ए निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एच वन एंड एच टू।
सबसे पहले हमने लास्ट टाइम ऐसा किया था कुछ कि मान लो यहाँ पर प्रेशर P2 है, मान लो इस पॉइंट पर प्रेशर P1 है और P1 इज ग्रेटर देन P2, पीछे जोर ज्यादा लग रहा है पानी का, तो अगर मैं P1 माइनस P2 निकालूं तो आंसर क्या आएगा? H रो जी, हॉरिजॉन्टल में H रो जी, जी तो है नहीं हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में क्या है A, तो H की जगह क्या पुट करेंगे? प्रेशर डिफरेंस इसके बीच में, यहाँ जैसे वो अगर ट्यूब हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, लास्ट टाइम किया था कि अगर हम प्रेशर डिफरेंस यूज करें तो P1 माइनस P2 इज H रो जी, नहीं एच रो जी की जगह जो भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है L इंटू रो इंटू A, A फॉर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल के अंदर, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस। ठीक, आप क्या कह रहे हो, क्या लगाना चाहिए? प्रेशर डिफरेंस जो वर्टिकल में होगा, हॉरिजॉन्टल में क्या लगाएंगे? वर्टिकल में ठीक है कि आपने प्रेशर डिफरेंस वर्टिकल में निकाल लिया कि लेफ्ट का प्रेशर माइनस राइट का प्रेशर, हॉरिजॉन्टल में कैसे लगेगा प्रेशर डिफरेंस? एच रो जी तो लग नहीं सकता उसमें। एक्सेलरेशन जीरो होती, चलो करके देखते हैं। सपोज चल अगर लास्ट टाइम हमने वो एक क्वेश्चन वेसल वाला किया था ना, और वही लगा रहा हूं मैं इसमें कि अगर मैं P1 माइनस P2 लगाऊं तो P1 माइनस P2 क्या आएगा? L, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस L इनटू रो इनटू A, ठीक है, A फॉर एक्सेलरेशन। ये मेरे पास P1 माइनस P2 आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं P1 निकाल लूं, P1 एग्जैक्टली होगा क्या? P1 की वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज P, एटमोस्फेरिक तो होगा ही होगा, प्लस H1 की वजह से H1 रोजी भी होगा, ठीक है ना? यहां तो H1 रोजी लगा लिया मैंने, वर्टिकल प्रेशर एट अ पॉइंट P1 इज H रोजी तो होगा होगा, साथ में P एटमोस्फेरिक भी होगा। और उसी तरीके से अगर मैं P2 निकालूं, P2 विल बी इक्वल टू, P2 will be equal to P atmospheric plus H2 rho g, P1 P2 की जगह पुट करना और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने की कोशिश करना, जरा क्या आ रही है आंसर, बताना क्या आ रहा है आंसर? ये आ रहा है, आप देख लो, g into H1 minus H2 divided by, ये आ रहा है, बस ये बिल्कुल ठीक है, सॉल्व करके एक्सेलरेशन की वैल्यू, मतलब हॉरिजॉन्टल में जब भी डिफरेंस लगाना है तो फॉर्मूला ये लगेगा एच रो जी का, लेकिन जी नहीं, जी की जगह ए, और पी वन पी टू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय पी एटमोस्फेरिक प्लस एच वन रो जी एंड पी एटमोस्फेरिक प्लस एच टू, पुट कर देना आंसर, ठीक है ना? यहां तक
कॉइन को पानी में गिर दिया, तो बताओ लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है, एक क्यूब है या जो भी एक ब्लॉक है वो फ्लोट कर रहा है, उसके ऊपर कॉइन, कॉइन को मैंने नीचे गिर दिया। तो आपको ये बताना है कि जो एच की वैल्यू है, एल की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? एल की वैल्यू मतलब लेवल ब्लॉक का चेंज होगा, ठीक है, और एच भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? एल, एल डिक्रीज, एच इंक्रीज, एच सेम, एल डिक्रीज, सेम रहेगा। अगर मैं कॉइन को गिर दूं नीचे, ब्लॉक हल्का फील करेगा, ऊपर आ जाएगा, भार हट गया ना, ऊपर आ जाएगा, जैसे ऊपर आएगा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। पहला पॉइंट क्लियर है, तो एल तो पक्का डिक्रीज होगा कम से कम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिचुएशन में अभी वो किसके इक्विवेलेंट है? वेट ऑफ अ पॉइंट के इक्विवेलेंट है, चलो प्लस ब्लॉक के इक्वल, वेट के इक्वल भी है। ब्लॉक की बात मैं इसलिए करूंगा नहीं क्योंकि ब्लॉक तो पहले भी तैर रहा है, ब्लॉक बाद में भी तैरेगा, छोड़ दो। पॉइंट की बात करें, पॉइंट के वेट के इक्वल, पॉइंट अपने वेट जितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है। अब सोचो पॉइंट डूब गया, तैर नहीं रहा, अब वो क्या वो अपने अपने वेट जितना पानी डिस्प्लेस करेगा? पॉइंट डूब गया तो क्या वो अपने वेट जितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है? अगर वो कर रहा होता तो फिर तो वो तैर ही जाता ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सेज कि दुनिया में बॉडी अगर फ्लोट कर रही है, वो इसलिए फ्लोट कर रही है क्योंकि वो अपने जितना वाटर का वेट डिस्प्लेस कर रही है, नहीं कर पाया इसका मतलब। हाँ, एक चीज कर पाया, अपने जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर पाया, अपने जितना, ये पेन को अगर मैं डुबो दूंगा पानी में तो पेन का जितना वॉल्यूम है, वाटर का वॉल्यूम भी सेम डिस्प्लेस हो गया ना, वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, वेट तो नहीं हुआ ना। अगर वेट ही ये पेन कर देगा अपने जितना, तो तैरना शुरू कर देगा। समझ आ रहा है डिफरेंस? समझ आ रहा है? कोई चीज अगर तैर रही है, जैसे उसके ऊपर जो तैर रही है, लेकिन अगर वो ऊपर है तो कोई बात नहीं, अपने वेट जितना पानी डिस्प्लेस कर रही है। जब वो डूब गई तो इसका मतलब अपने वॉल्यूम जितना पानी डिस्प्लेस कर पाई, वेट जितना नहीं कर पाई। वेट बड़ा होता है कि वॉल्यूम? वेट इज जीरो जी और वॉल्यूम इज विद वी, कौन बड़ा हुआ? इसका मतलब पहले पानी ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा था, अब पानी कम डिस्प्लेस होगा, एच पी नीचे गिर जाएगा। पानी डिस्प्लेस ही कर पाएगा क्वाइन उतना जितना पहले कर रहा था, पहले अपने वेट जितना कर रहा था। पहले क्या कर रहा था? जब क्वाइन ऊपर था तो उसने ज्यादा पानी डिस्प्लेस किया हुआ है, लेवल अभी ऊपर है। जब वो नीचे डूब गया तो उतना पानी डिस्प्लेस कर नहीं पाया, कर पा रहे सिचुएशन इश्यू, तो लेवल नीचे गिर गया, डिस्प्लेस ही नहीं कर पाया उतना पानी। फिर से एक बार सपोज कोई बॉडी,
आर स्क्वायर इन टू एच, ठीक है, क्या करूं इसे डिफरेंशिएट कर दूं या फिर पहले लॉग ले लें, लॉग ना लेने पहले dr by r आ जाएगा थीटा, देखो लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ पाई प्लस टू लॉग ऑफ r प्लस लॉग ऑफ h, ठीक। नेक्स्ट स्टेप है डिफरेंशिएट करो, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, वायर को खींच लो जो मर्जी कर लो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, टू वन बाय आर इंटू डी आर, वन बाय एच इंटू डी एच, ठीक हो गया। डी एच या डी एल एक ही बात है। तो मेरे को बेसिकली क्या करना है इसमें, मेरे को रेशियो निकालनी है, क्या फॉर्मूला होता है पॉइसन रेशियो का, डी आर बाय आर डिवाइडेड बाय डी एच बाय एच विद नेगेटिव साइन, जो कि सॉल्व करने में क्या आ रहा है, हाफ हाफ पॉइंट फाइव आंसर आएगा। कभी भी पॉइसन रेशियो पे क्वेश्चन आएगा ना, वॉल्यूम से स्टार्ट कर दें, लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दोगे, दो वेरिएबल बचेंगे वहां से, क्या पास बचे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है उल्टा क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको पॉइसन रेशियो देगा, पॉइसन रेशियो देगा, खैर वो तो हो ही जाएगा सॉल्व, डी आर बाई आर निकालने को कहेगा, डी एच बाई एच आपको दे देगा, वो तो आप वैसे ही निकाल लोगे बाय डेफिनेशन ऑफ पॉइसन रेशियो। Floats with V1 immersed in a liquid of density T1 and V1 in density D1, ये एक लिक्विड है और दूसरा लिक्विड T2 और V2, ये लिक्विड भी डिस्प्लेस होगा, ये लिक्विड भी डिस्प्लेस होगा, इसका वॉल्यूम V1 होगा, इसका वॉल्यूम V2 होगा, V2 into D2 into G, V1
वन इंटू डी वन इंटू जी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मिला के इज इक्वल टू होल वेट ऑफ अ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन वी इज इक्वल टू, एक काम करो इसको वी यहां से आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से, आपको क्या निकालना है? ऐसा कर लो फिर, चलो फिर ऐसा कर लो, यहां पर आप V पुट कर लो टोटल वॉल्यूम, और V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V2 को लिख सकते हो V माइनस V1, V2 को उठा के यहां पुट कर दो आंसर आ जाएगा। ये ना वीरो जी, वीरो जी इज इक्वल टू वीरो जी, वेट्स को इक्वल कर दिया, ठीक, कोई डाउट इसमें? कि वही क्वेश्चन है कि इस पे अगर मैं फोर्स लगाऊं तो यंग मॉडुलस क्या होगा या डेल्टा एल क्या होगा। बस एक चीज देख लो इधर कि इसका रेडियस यहां से r1 है, इसका रेडियस यहां से r2 है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की वायर है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लेंगे, पाई r1 स्क्वायर की पाई r2 स्क्वायर। खैर प्लस 2 में ऐसा क्वेश्चन किया था, हां नहीं मैंने बताया था कि इसका आपने ज्योमेट्रिक मीन लेना होता है, √a1 * a2 मैंने बताया था। एक वायर है, नॉर्मली वायर का रेडियस r होता है, तो एरिया की जगह क्रॉस सेक्शन की जगह पाई आर स्क्वायर। ये कह रहा है कि एक तरफ से एरिया पाई आर वन स्क्वायर है, एक तरफ से पाई क्या लेंगे एरिया, आर वन की फॉर्म में कि आर टू की फॉर्म में, तो अंडर रूट ऑफ पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू अंडर रूट ऑफ आर वन इंटू आर टू, ठीक। वैसे इसका प्रूफ भी है इंटीग्रेशन से, अगर आप इतना टाइम नहीं है इंटीग्रेशन करने का, बहुत लंबा प्रूफ है, अंडर ज्योमेट्रिक मीन ऊपर नीचे पाई आर वन स्क्वायर इंटू पाई आर टू स्क्वायर का